हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मेधा क्रिएशंस। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई डिश लेके आई हूँ। आज मैं लाई हूँ आपके लिए लौकी का भरता। यस, बैगन का भरता तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं बना रही हूँ लौकी का भरता। तो चलिए देखिए, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पे ली है 500 ग्राम की एक लौकी, जिसको मैंने बहुत अच्छे से धो ली है। अब मैं इसको अच्छे से छील रही हूँ। इसके छिलके को, पतले पतले छिलके को निकालेंगे, ज़्यादा इसको नहीं, बारीक से नहीं छीलेंगे। लौकी को हम चारों तरफ घुमा घुमा के अच्छी तरह से छील लेंगे और इसके नीचे के पॉइंट्स को काट देंगे। ऊपर का थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमें इसको हल्का सा भूनना भी है, जिससे हमें पकड़ने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो गैस के फ्लेम को ऑन करते हैं और इसमें लौकी रखते हैं और इसको चारों तरफ घुमा घुमा के धीरे धीरे सेकते हैं। हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें इसे सिर्फ सेकना है। और ये तब तक सेकना है जब तक हमें लौकी में से पानी, मतलब लौकी का रस दिखना बंद हो जाए। जब ये हमें एकदम ड्राई ड्राई लगेगा, हम तभी इसको भूनना बंद करेंगे। देखिए, लौकी थोड़ी थोड़ी आपको हल्की हल्की ब्राउन दिखने लगी है। हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि अभी हमें इसे बॉयल भी करना है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि जिससे हमारे लौकी के भरते में थोड़ा सा सोंधापन आ जाए। अब लेंगे टमाटर, हम इसको भी अच्छे से भून लेंगे कि इसका छिलका आसानी से उतर जाए और हल्का सा सोंधापन आ जाए। एक टमाटर मैंने भून लिया है, अब हम लेंगे दूसरा टमाटर। इसको भी हम पहले टमाटर की तरह ही चारों तरफ घुमा के अच्छे से भून लेंगे और इसका छिलका उतारने के लिए रख देंगे। अब लौकी को, जो लौकी हमने अभी भूनी थी, उसको हम काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। 500 ग्राम में से मैंने थोड़ी सी लौकी निकाल दी है, क्योंकि हम चार लोग के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने 500 ग्राम में से थोड़ी हटा ली है। आप बहुत छोटे पीसेस में भी और बड़े पीसेस में भी काट सकते हैं, हमको इसे सिर्फ उबालना है अभी। लौकी अब मैंने काट ली है, अब हम गैस पे कुकर को चढ़ाएंगे, उसमें कटी हुई लौकी को डाल देंगे और इस लौकी में सिर्फ हम एक गिलास पानी डालेंगे। कुकर को अच्छे से बंद कर देंगे। जब तक लौकी उबलती है, तब तक हम टमाटर को छील लेते हैं। इसके छिलके को हम निकाल देंगे। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, इनको हम महीन पीसेस में काट लेंगे। मैंने दोनों टमाटर काट लिए हैं। अब मेरे कुकर में दो सीटी भी बोल चुकी है और मेरी लौकी पक के तैयार हो गई है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा, हम गैस पर कढ़ाई को चढ़ा देते हैं और इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल को हल्का ही गरम करेंगे, ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, जिससे कि हमारे भरते में थोड़ा सा सोंधापन ज़्यादा रहे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हींग पाउडर। इसमें डालेंगे अब हम प्याज, 2 प्याज हैं, 4 लहसुन, 2 मिर्चा और 1 इंच अदरक काट के डाली है हमने इसमें। और ये हमारा तड़का है, इसको हम अच्छे से पका लेंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे अच्छे से, जैसे ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च,
और आधा चम्मच खटाई पाउडर। इन मसालों को हम अच्छे से चला के पका लेंगे। मसालों को अच्छे से पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे भुने हुए दो टमाटर, जिनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। और टमाटर को मुझे तब तक पकाना है जब तक ये एकदम से पक के गल ना जाए। हमारा टमाटर बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे उबली हुई लौकी। और इसको अच्छे से मिलाकर चलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और उसको अच्छे से मिला देंगे। हमें ये भरता जो है ढक के नहीं पकाना है। अब हम इसको 5-10 मिनट तक सिर्फ चलाते हुए ही पकाएंगे और इसके जो छोटे छोटे पीसेस रह गए हैं उनको बीच बीच में तोड़ते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे भरवा लाल मिर्च अचार का मसाला आधा चम्मच। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग भरते में मिर्चे का मसाला पसंद करते हैं इसलिए हमने डाल दिया है। और अब इसको हम अच्छे से भूनते रहेंगे। अगर भरता बहुत अच्छे से भुना नहीं होता है तो भी अच्छा नहीं लगता। हम गैस के फ्लेम को तेज करके इसको अच्छे से भूनेंगे। ये भरता हमारा लगभग बन के तैयार हो चुका है। इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई धनिया की पत्तियां और दो करी के पत्ते और फिर इसको अच्छे से चला लेंगे। हमारा भरता पूरी तरह बन के तैयार हो चुका है। आप इसे रोटी या पराठे के साथ खा के इंजॉय करिए। और आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।